बिलासपुर में पंचायत चुनाव के दौरान जहरीली शराब पीने से एक युवक की मौत हो गई। ग्राम पंचायत भनेसर में सरपंच पद के लिए उपचुनाव चल रहा था। बताया जा रहा है कि बुधवार की रात प्रत्याशियों की तरफ से मतदाताओं को लुभाने के लिए देसी शराब बांटी गई। गुरुवार सुबह गांव के ही युवक द्रमित टंडन 20 वर्ष पिता देवलाल टंडन के घर के पास शराब की दो शीशियां पड़ी थी। उसे लेकर के वह सुबह करीब 8 बजे अपने घर में किराए पर रहने वाले हाईवा चालक अजय निर्मलकर के साथ पीने के लिए खेत की तरफ चला गया। शराब की एक शीशी को खोलकर दोनों ने पीना शुरू किया, तब उन्हें शराब का स्वाद कुछ अजीब सा लगा। द्रविड को उल्टियां होने लगी तो उसने शराब पीना बंद कर दिया, किंतु अजय निर्मलकर ने शराब पीना बंद नहीं किया। उसने शराब पी ली, फिर कुछ देर बाद वह बेहोश होकर के गिर गया। द्रविड ने इस घटना की जानकारी परिजनों को दे दी, तब उन्होंने तत्काल इलाज के लिए निजी अस्पताल लाया गया, जहां अजय निर्मलकर की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं द्रविड का अस्पताल में इलाज चल रहा है, वह अब ठीक ठाक बताई जा रही है। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।